बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक पर। और हम लेकर आए हैं विशेष आपके लिए खास हमारी प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। और हमारे जो विशेष उपाय होते हैं मित्रों, ये संबंधित होते हैं आपकी समस्याओं पर आधारित होते हैं, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है आपके जीवन की जटिल से जटिल समस्या को सरल समाधानों से मुक्ति दिलवाना। और ऐसा ही आज हम आपके लिए विशेष उपाय लेकर आए हैं। आइए जानते हैं इस विषय पर। दोस्तों, आज हम एक विशेष उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, उपाय और ये भी कहूँगा कि आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आए हैं। ज्येष्ठ के महीने में एक पेड़ लगाकर पाएं अपने जीवन की हर समस्या से छुटकारा। जी हाँ, कौन सा ऐसा पेड़ है और इसका संबंध क्या है, ये भी हम जानेंगे और पूरी की पूरी स्थिति जानेंगे। देखिए, ज्येष्ठ का महीना जिसे हम ज्येष्ठ कहते हैं या कई लोग उसे जेठ कहते हैं, वो बड़ा खास महीना होता है, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है जिसमें विशेष रूप से महादेवी ज्येष्ठा और भगवान शंकर के पूजन का विधान है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, शास्त्रों में दो पेड़ों का बड़ा महत्व बताया गया है। एक तो अश्वत्थ, भगवान कृष्ण ने कहा है कि पेड़ों में मैं अश्वत्थ हूँ, और दूसरा वड। वड यानी वट, यानी कि बरगद, भारत का नेशनल ट्री। और विशेष रूप से ये जो महीना है ज्येष्ठ का, ये बरगद से संबंधित महीना है। इस महीने में विशेष रूप से अत्यधिक गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा गर्मी ज्येष्ठ में पड़ती है। और इस महीने में ठंडी छाया का एकमात्र स्वरूप है, या स्वरूप वैदिक काल से रहा है, वो है बरगद। बरगद एक ऐसा पौधा है जिस पर भगवान श्री कृष्ण बैठ करके मुरली बजाते थे, और उसकी एक अलग प्रजाति का नाम है कृष्णवट। कृष्णवट एक ऐसा पेड़ है जिसको मूल रूप से रुद्र का अवतार माना गया है। उसकी जो लताएं हैं वो मूलतः एक ही ऐसा पेड़ है जिसकी लताएं धरती से जल सोख लेती हैं और वायुमंडल में से भी जल सोखती हैं, और उसी के अनुसार वो पानी के बूंदे भी ज़मीन पर गिराती हैं और असंख्य जीवों को जीवन देती हैं। एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते खाकर अकाल में भी गाय और इत्यादि जो पशु होते हैं वो जीवित रहते हैं। इसका फल जो है वो मूलतः मलमल के कीड़े खाते हैं, और मलमल उत्पन्न होता है। इसी के पेड़ पर ही लाख भी उत्पन्न होता है, जिससे लोग चूड़ियाँ और इत्यादि बनाते थे। कहते हैं, और ऐसी मान्यता है, कि एक बरगद के पेड़ पर कम से कम 1 करोड़ जीवों का वास होता है, चाहे वो चींटियाँ हों, चाहे वो मखमल के कीड़े हों, चाहे वो कीड़े हों जो लाख बनाते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हों। एक बरगद का पेड़ 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ जीवों को उनके जीवन को सींचने के लिए साधन प्रदान करता है। आप बयाबान रेगिस्तान में, बयाबान जंगल में जहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ भी बरगद का पेड़ देख लेंगे। नदी के किनारे भी बरगद का पेड़ देख लेंगे। कोई ऐसी जगह नहीं है भारत में और भारत के महाद्वीप में जहाँ बरगद ना हो। इसकी कई प्रजातियाँ हैं, जिसमें से कृष्णवट भी है, शिववट भी है, लेकिन मूलतः बरगद को शिव का प्रारूप माना गया है। और यही पेड़ जो है मूलतः वो शिव वृक्ष भी कहलाता है। विशेष रूप से ज्येष्ठ के किसी भी महीने में अगर ये पेड़ घर के आजू बाजू नहीं, किसी उपवन में, किसी खाली जगह में, घर के आजू बाजू लगाना ऐसे बड़ा अशुभ माना गया है, अगर ये पेड़ लगाकर आप पूरे साल भर तक उसकी देखभाल कर लें, तो आपके जीवन की हर समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और पेड़ लगाते हुए और रोज़ जल देते हुए उस पेड़ को एक विशेष मंत्र का जाप करें, वह है ओम तरु राजाय नमः। सभी पेड़ों का राजा है, सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है,
जो संपूर्ण संसार में सबसे विशिष्ट माना जाता है। एक पेड़ 1 करोड़ जीवों को आश्रय देता है। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें आप ही का अपना चैनल एस्ट्रो तक। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।